हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू। अपने पिछले वीडियो में अपनी फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट पोएट्री का एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, उस पोएम का हिंदी ट्रांसलेशन भी पढ़ा था। आज उस पोएम का नाम था माय मदर एट 66, जो कि रिटन बाय कमलादास। आज उस पोएम के अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर 20 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। प्रोज से भी आएंगे तो पोएट्री से भी आएंगे। तो अपने आज जो फर्स्ट पोएम है माय मदर एट 66 रिटन बाय कमलादास, ये अपन इस पोएम के बारे में हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है द पोइम इज मेड अप ऑफ। देखो, इसमें विशेष देख लेना, जब मैंने वीडियो अपना जो पोइम का वीडियो चला था, पोइम का एक्सप्लेनेशन वीडियो चला था, हिंदी ट्रांसलेशन वाला वीडियो चला था, उसमें भी मैंने बोला था कि ये जो पोइम है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटेंस है। पूरी पोइम एक ही सेंटेंस के अंदर बता दी गई है। तो द पोइम इज मेड अप ऑफ, तो देखो इसमें फर्स्ट बी ऑप्शन दिख ही रहा है, ए सिंगल सेंटेंस। देखो 20 लाइन्स इसमें नहीं है, 10 स्टेंजा भी नहीं है, 5 स्टेंजा भी नहीं है। तो ये पूरी की पूरी पोइम क्या है, ए सिंगल सेंटेंस। ये पहली विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द पोइट गोइंग टू, कि पोइट कहाँ जा रही थी। जो अपन पोइम पढ़ा था उसमें देखा था कि पोइट कहाँ जा रही थी, पोइट कोचिन जा रही थी। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स इज होम टू कोचिन, ये फर्स्ट लाइन थी, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स इज होम टू कोचिन। तो देखो पोइट कहाँ जा रही थी, इसमें देखो जयपुर है, दिल्ली है, कोचिन है, मुंबई, तो पोइट कहाँ जा रही थी, कोचिन। तो अपने को आंसर इसमें करना है कोचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा अपना हु वॉज सिटिंग बिसाइड द पोइट। उस पोइम में आपने देखा होगा आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, जो कि मेरे बगल में बैठी थी, मैंने मेरी माँ को देखा जो कि मेरे बगल में बैठी थी। मीन्स क्वेश्चन क्या है, हु वॉज सिटिंग बिसाइड द पोइट, कि उस पोइट के बगल में कौन बैठा था, उसकी माँ बैठी थी, ना तो उसके फादर बैठे थे, ना उसका फ्रेंड था कोई, और ना ही सिस्टर थी। तो उसके बगल में कौन बैठा था, हर मदर। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन अपने को जब पोइम जो पोइम पढ़ाई थी उसमें आप एक एक लाइन पे स्पेशली कंसंट्रेट होकर सुनना है, देखना है उस पूरे वीडियो को, आपको ए टू जेड चीज समझ में आएगी। प्रत्येक क्वेश्चन उस पोइम से, जो मैंने इसमें जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं शायद ही कोई क्वेश्चन बाहर से आएगा, ये अपने दिमाग में रख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना व्हाट डिड द पोइट नोटिस अबाउट हर मदर, कि जब पोइट गाड़ी चला रही थी तो उसने अपनी माँ की तरफ देखा था, आई सॉ माय मदर, आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, जो कि मेरे बगल में बैठी थी। क्या नोटिस किया होगा उसने अपनी माँ की तरफ देखकर, तो देखा व्हाट डिड द पोइट नोटिस अबाउट हर मदर। देखो हर मदर वॉज डोजिंग एंड ओपन माउथ, ये बिल्कुल कन्फर्म था कि उसकी माँ की तरफ जब उसने देखा, पोइट ने उसकी मां की तरफ देखा तो उसकी मां ऊंग रही थी, वॉज डोजिंग, ऊंग रही थी, एंड ओपन माउथ, और उसका मुंह भी खुला हुआ था, ये चीज उसने नोटिस की थी। देखो हर मदर वॉज स्लीपिंग, उसकी मां सो नहीं रही थी, ये तो कंफर्म है क्योंकि पोइम में है ही नहीं, उसकी मां तो सिर्फ ऊंग रही थी और उसका मुंह खुला हुआ था। फिर है हर मदर वॉज ड्राइविंग, क्या उसकी मां खुद गाड़ी चला रही थी, नहीं ये भी गलत है क्योंकि गाड़ी तो पोइट खुद चला रही थी। हर मदर वॉज टेकिंग फूड, कि उसकी माँ खाना खा रही थी, नो ये भी गलत है। मीन्स अभी सपना क्वेश्चन राइट कौन सा हुआ, हर मदर वॉज डोजिंग, उसकी माँ ऊंग रही थी एंड ओपन माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद हुम डिड द पोइट कंपेयर हर मदर, कि पोइट ने अपनी माँ की तुलना किससे की। देखो अपने दो चीज पढ़ी थी उस पूरी पोइम के अंदर, एक तो पोइट ने अपनी माँ की तुलना एक शव से की थी, डेड बॉडी से की थी, एक कॉर्प्स से की थी, एक तो ये था। दूसरी तुलना एक और की थी, उसने अपनी माँ की तुलना लेट विंटर इज मून, जाती हुई सर्दियों के चंद्रमा से की थी। तो अपन देखते हैं क्या दोनों ऑप्शन में से ये है, या जाती हुई सर्दियों का चंद्रमा है, अगर है तो आंसर राइट हो जाएगा, या फिर कॉर्प्स या डेड बॉडी अगर आंसर में मिल जाता है तो अपना क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखो चिल्ड्रन से बच्चों से उसकी माँ की तुलना नहीं की थी उसने, हर सेप, क्या पोइट ने अपने आप की तुलना अपने आप से तुलना की थी अपनी माँ की, नो। फिर है कॉप्स, बिल्कुल राइट है ये, कॉप्स मीन्स होता है सव, सव मीन्स डेड बॉडी, मृत शरीर, वो होता है कॉप्स। तो पोइट ने अपनी माँ की तुलना एक कॉप से की थी और ना ही किसी ट्री से की थी, यानी पोइट ने अपनी माँ का कंपैरिजन, यानी अपनी माँ की तुलना किससे की थी, एक कॉप से की थी, एक सव से की थी, क्योंकि उस पोइम के अंदर दे रखा था कि
कि उसकी माँ ऐसा दिख रही थी, एक राख जैसी दिख रही थी, राख जैसा कलर उसको दिख रहा था, जैसे कोई शव हो। तो यानी उसकी माँ की तुलना पोइट ने किससे की थी, एक कॉप से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज हर मदर फेस लुकिंग लाइक ए कॉप्स, कि उसकी माँ का चेहरा, हर मदर इज फेस, उसकी माँ का चेहरा एक कॉप्स जैसा कैसे दिख रहा था। कॉप्स का मतलब होता है सब डेड बॉडी, उसकी माँ का चेहरा डेड बॉडी की तरह क्यों दिख रहा था। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सी हैड ग्रोन ओल्ड, बिल्कुल सही है कि उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी। फिर अगला ऑप्शन है, सी हैड 66 ईयर्स ओल्ड, बिल्कुल ये भी राइट है कि उसकी माँ की एज 66 ईयर्स हो चुकी थी। फिर है, हर माउथ वॉज ओपन, हर माउथ वॉज ओपन, उसकी माँ का जो मुंह था वो भी खुला हुआ था, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। फिर आ गया ऑल अबव, बिल्कुल ये तीनों की तीनों विशेषताएं उसकी माँ की थी कि उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी, बिल्कुल हुई थी सब। सी हैड 66 ईयर्स ओल्ड, उसकी माँ की एज 66 साल हो गई थी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हर माउथ वॉज ओपन, जब पोइट ने उसकी माँ की तरफ देखा था गाड़ी चलाते समय, अपनी माँ की तरफ जब उसने देखा था तो उसकी माँ का मुंह बिल्कुल खुला हुआ था, तो ये भी फैक्ट है। यानी तीनों क्वेश्चन, तीनों आंसर अपने राइट, मींस ऑल अबव जो ऑप्शन थे ये पूरे के पूरे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाउ वॉज हर मदर इज फेस, कि उसकी माँ का चेहरा कैसा दिख रहा था। जब पोइट ने अपनी माँ की तरफ देखा गाड़ी चलाते समय, उस लाइन में देखे, आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, आई सॉ माय मदर, मैंने मेरी माँ को देखा जो कि मेरे बगल में बैठी थी, तो उसकी माँ का चेहरा कैसा दिख रहा था, पेल फेस, बिल्कुल बिल्कुल राइट है, उसकी माँ का चेहरा पेल, पेल मीन्स पीला चेहरा उसको दिख रहा था, रेड फेस, ना जी रेड फेस तो था ही नहीं। फिर है क्लाउड फेस, क्या बादलों जैसा चेहरा उसका दिख रहा था, नो बिल्कुल नहीं दिख रहा था। फैट फेस, क्या मोटा चेहरा नजर आ रहा था, बिल्कुल ये भी नहीं था। मीन्स उसकी माँ का चेहरा कैसा दिख रहा था, पेल फेस दिख रहा था, यानी बिल्कुल पीला चेहरा नजर आ रहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मदर ऑफ द पोइट वॉज, द मदर ऑफ द पोइट वॉज, कि उसकी माँ क्या कर रही थी, देखो स्माइलिंग, क्या उसकी माँ, पोइट की माँ, उसकी मदर हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, ना जी बिल्कुल वो तो ऊंग रही थी, मुंह खुला हुआ था, बिल्कुल ऐसे कंडीशन में तो नहीं थी कि स्माइलिंग, उस मुस्कुरा तो नहीं रही थी, लाफिंग हंस रही थी, बिल्कुल नहीं हंस रही थी, क्राइंग चिल्ला रही थी क्या, नहीं वो तो बिल्कुल साइलेंट थी, एक डेड बॉडी की तरह थी। पोइट ने बोला भी था कि मेरी माँ ऐसा दिख रही थी जैसे कोई डेड बॉडी हो, तो डेड बॉडी थी। फिर है डॉजिंग ऑफ, हाँ जी साहब बिल्कुल वो ऊंग रही थी, डॉजिंग मीन्स क्या होता है, डॉज मीन्स क्या होता है, ऊंगना, उसकी माँ की तरफ जब पोइट ने देखा तो उसकी माँ ऊंग रही थी, तो अपना आंसर राइट कौन सा हो गया, डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला दास रियलाइज दैट हर मदर वॉज वेरी, अब कमला दास जो कि पोइट है, अब क्वेश्चन आ जाए माई मदर एट 66 पोइम के पोइट कौन है, कमला दास। देखो मैं आपको ये बता दूं, ये कमला दास कहां की रहने वाली है, ये केरला की रहने वाली है। तो कमला दास रियलाइज्ड, कमला दास ने महसूस किया दैट हर मदर वॉज वेरी, कि उसकी माँ बहुत ही क्या, कवियत्री ने, पोइट ने अपनी माँ के बारे में महसूस किया कि मेरी माँ बहुत ही ज्यादा क्या यंग है, नो जी उसकी माँ जवान तो नहीं थी, एनर्जेटिक, क्या उसमें काफी एनर्जी थी, क्या उछल कूद कर रही थी, नो ओल्ड, क्या वो बूढ़ी हो चुकी थी, बिल्कुल हाँ ये तो है वो बूढ़ी थी, उसकी माँ बूढ़ी थी, इल बीमार का तो कोई जिक्र ही नहीं था, यानी अपना आंसर जो निकलेगा वो है ओल्ड, यानी उसकी माँ काफी बूढ़ी हो चुकी थी, तो आंसर बिल्कुल राइट क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, सी सून पुट दैट थॉट आउट ऑफ हर माइंड, सी सुन, और उसने जल्दी, किसने, पोइट ने, यहां पर पोइट के बारे में जिक्र किया गया है, पोइट ने, कि पोइट सोन पुट दैट थॉट, कि उस उन विचारों को आउट कर दिया, मींस अवे कर दिया, पोइम में दे भी रखा था कि पुट दैट थॉट अवे, सी सुन पुट दैट थॉट अवे, यहां पर आउट और अवे एक ही है, तो पुट दैट थॉट अवे, कि उसने अपने उन विचारों को दूर कर दिया ऑफ हर माइंड, अपने दिमाग से, एंड और क्या करने लगी, क्वेश्चन ये बन के आएगा कि जैसे ही पोइट ने उन विचारों को दूर कर दिया और क्या, और स्माइल, क्या वो मुस्कुराने लगी, नो वो मुस्कुराने नहीं लगी थी।
लाफ्ड हर्टली, क्या वो दिल से हंस रही थी? नो. क्राइड, क्या वो चिल्ला रही थी? बिल्कुल नहीं चिल्ला रही थी. तो फिर कर क्या रही थी? वो विंडो से बाहर देखने लग गई थी, जैसे कि अपने पोएम में पढ़ा था, लुक्ड आउट एट ऑफ द विंडो. वो विंडो से बाहर देखने लग गई थी. अब जैसे कि आपने पोएम में पढ़ा था, वो बाहर किसको देखने लगी थी? देखो, उसको बाहर नजर आए थे दो ऑब्जेक्ट नजर आए थे. एक तो ट्री नजर आए थे, स्प्रिंटिंग ट्री, जो कि काफी तेज गति से दौड़ते हुए उसको दिख रहे थे. वो ट्री, यंग ट्री नजर आए थे इसको, पोएट को. दूसरा क्या आया था? मेरी चिल्ड्रन. मेरी चिल्ड्रन यानी चहकते हुए, उछल कूद करते हुए बच्चे जो अपने घरों के बाहर जंप कर रहे थे, वो बच्चे नजर आ रहे थे. मीन्स सी सून पुट दैट थॉट आउट ऑफ हर माइंड. और वो पोएट ने अब जल्दी ही उन विचारों को दूर कर दिया और बाहर की तरफ देखने लगी, अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी. तो ये क्वेश्चन अपना डी आंसर राइट होगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द कार विंडो शीशा. अब जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, उन विचारों से दूर होकर, जो विचार, कौन से विचार थे? जो अपनी माँ के बारे में सोच रही थी कि उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है, उसका चेहरा ऐसा दिख रहा है जैसे कोई शव हो, राख जैसा प्रतीत हो रहा था. इन विचारों से पोएट ने बाहर दूर अपने आप को दूर किया और दूर करके जो गाड़ी थी उस गाड़ी के बाहर की तरफ, खिड़की के बाहर देखने लगी. तो बस क्वेश्चन ये बन के आ रहा है, आउट ऑफ द कार, कि कार की विंडो से बाहर उसने क्या देखा? तो देखा काउज एंड बफेलो. क्या उसने गाय और भैंसों को देखा? देखो, मैंने इससे पहले भी जिक्र किया था, उसने उछल कूद करते हुए बच्चों को देखा था एक तो. दूसरा किसको देखा था? स्प्रिंटिंग ट्रीज, यानी यंग ट्रीज. स्प्रिंटिंग यानी कि जवान, या जो भी पेड़ पौधे नए उगे हैं उनको, और वो पेड़ पौधे भी बड़ी तेज गति से उसको दौड़ते हुए दिख रहे थे. इन दो ऑब्जेक्ट को उसने देखा था. तो काउज एंड बफेलो नहीं देखा साहब, पिग्स एंड गोट्स इनको भी नहीं देखा. ट्रीज स्प्रिंटिंग बिल्कुल राइट है, तेज गति से दौड़ते हुए पेड़ों को उसने देखा था. पीपल डिगिंग इनको भी उन्होंने नहीं देखा. मीन्स क्वेश्चन राइट क्या हो जाएगा? सी, कि ट्रीज स्प्रिंटिंग, या फिर इसमें देखो मेरी चिल्ड्रन भी आ सकता है, मेरी चिल्ड्रन भी आ सकता है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नरेटर ऑल्सो सॉ चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ, कि द नरेटर, नरेटर यहां पर कौन है? पोएट. कि द नरेटर ऑल्सो सॉ चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ, कि उन बच्चों को पोएट ने कहाँ देखा? अभी आया था ना मेरी चिल्ड्रन जंप आउट ऑफ हर, आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों के बाहर बच्चे उछल कूद कर रहे थे. तो बस यही क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि उस पोएट ने उन बच्चों को कौन सी जगह पर देखा, कहाँ देखा था? तो देखो, उन्होंने देखा देयर होम्स, बिल्कुल घर के सामने वो बच्चे जंप कर रहे थे. स्कूल में भी नहीं देखा, पार्क में भी नहीं देखा, और फुटबॉल ग्राउंड में भी नहीं देखा. तो वो बच्चे कहाँ जंप कर रहे थे, कहाँ खेल कूद कर रहे थे? अपने घरों के सामने. तो यहाँ पर क्वेश्चन बन के, आंसर बना बनेगा देयर होम्स. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, द पोएट लुक्ड एट हर मदर अगेन आफ्टर. द पोएट लुक्ड अगेन, उसने एक बार फिर से देखा. कब देखा था? पोएम में अगर आपने पढ़ा हो, उसने, पोएट ने अपनी माँ को देखा था एयरपोर्ट पर. वंस अगेन लुक्ड एट हर मदर, तो द पोएट लुक्ड एट हर, उसने फिर से देखा अपनी मां को. कहां पर? द सिक्योरिटी चेक, आफ्टर द सिक्योरिटी चेक. सिक्योरिटी चेक होते ही उसने अपनी मां को देखा था. कहां पर सिक्योरिटी चेक कहां हुई थी? एयरपोर्ट पर हुई थी. एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक करने के बाद पोएट ने एक बार फिर से अपनी माँ को देखा था. दो ग्रीन सिग्नल, ये भी रॉन्ग है. आफ्टर द लेफ्ट हैंड कार पार्किंग, ये भी नहीं है. आफ्टर द लगेज चेकिंग, ये भी नहीं है. यानी उसने अपनी माँ को कब देखा? जब सिक्योरिटी चेक हो गई थी एयरपोर्ट के ऊपर. आफ्टर द एयरपोर्ट इज सिक्योरिटी चेक, द पोएट लुक्ड अगेन हर. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट अगेन कंपेयर्ड हर मदर टू, उसने अपनी माँ की तुलना फिर से किससे की थी? देखो, इसमें दो ऑप्शन आए थे. एक तो आया था कॉप्स, अपनी माँ की तुलना एक तो किससे की थी? कॉप्स से की थी. कॉप्स का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी होता है. डेड बॉडी को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? शव बोलेंगे. यानी उसने अपनी माँ की तुलना किससे की थी? पहले भी अपने पढ़ लिया, एक तो कॉर्प से की थी, दूसरा की थी जाती हुई सर्दियों के चंद्रमा से. मीन्स लेट विंटर इज मून. तो इसमें ऑप्शन देख लो, क्या लेट विंटर इज मून नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है. सी, यानी इसका ऑप्शन राइट क्या निकलेगा? लेट विंटर इज
मून यानी जाती हुई सर्दियों के चंद्रमा से उसने कवियत्री ने अपनी माँ की तुलना की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बनकर आएगा, विंटरेज मून इज रेफरेंस टू द मदर इज। देखो जो विंटरेज मून था, जो जाती हुई सर्दियों का जो चंद्रमा था, वो उसकी माँ के बारे में क्या स्पेशल बताना चाह रहा है कि उसकी माँ कैसे दिख रही थी। देखो जाती हुई सर्दियों का जो चंद्रमा होता है वो हमेशा धुंधला सा और पीला पीला रंग लिया हुआ होता है, इसलिए कवियत्री भी ये इस क्वेश्चन में भी यही पूछा जा रहा है कि कवियत्री ने अपनी माँ की तुलना जाती हुई सर्दियों के चंद्रमा से की थी, लेट विंटरेज मून से की थी। बिल्कुल की थी, लेकिन इसका मतलब क्या निकला, लेट विंटरेज मून से क्या तात्पर्य निकला, क्यों उसने कंपेयर किया था, क्योंकि उसकी माँ काफी बूढ़ी हो चुकी थी, ओल्ड एज में थी। देखो इलनेस बीमारी का कोई जिक्र नहीं, कलर ऑफ स्किन से भी कोई मतलब नहीं है, यंग एज से भी अपने को कोई मतलब नहीं है। वो उसकी माँ काफी बूढ़ी हो चुकी थी, जैसे ऐसे दिख रही थी जैसे जाती हुई सर्दियों का कोई चंद्रमा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द पोएट लुक्ड एट हर मदर अगेन शी फेल्ट ए पैंग ऑफ। व्हेन, जब द पोएट, जब कवियत्री लुक्ड एट हर, अपनी माँ की तरफ से फिर से देखा, अगेन सी फेल्ट ए पैंग, उसको एक वेदना महसूस हुई, एक पीड़ा महसूस हुई। तो क्या था, कौन सी पीड़ा थी, कौन सा दर्द उसको महसूस हुआ, कौन सी ऐसी स्थिति बनी कि पोइट काफी दुखी हो चुकी थी। वो वही था कि उसको एक वही जाना पहचाना सा पुराना सा दर्द पोइट को महसूस हुआ। कौन सा जाना पहचाना सा, उसके बचपन का डर। उसके बचपन में क्या डर था, उसमें बचपन का डर ये था कि जब छोटा बच्चा होता है तो हमेशा सिर्फ एक ही चीज से डरता है, वो अपनी माँ से दूर नहीं होना चाहता। हर एक्टिविटी उसको पसंद है लेकिन वो अपनी माँ से दूर होना पसंद नहीं करता। वो ही जाना पहचाना सा डर आज पोइट को महसूस होने लगा, और वो कौन सा था, हर फैमिलियर एक, वो ही जाना पहचाना सा पुराना दर्द आज कवियत्री को महसूस होने लगा। देखो गिल्ट, हर्ट एक और हेडेक, ये ऐसा कुछ नहीं था, उसको वो जाना पहचाना सा डर, जाना पहचानी सी पीड़ा आज कवियत्री को महसूस होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, द चाइल्डहुड फियर वॉज द फियर ऑफ, जो बचपन का उसका डर था, द चाइल्डहुड फियर वॉज द फियर ऑफ, कौन सा फियर ऑफ, सेपरेशन फ्रॉम मदर, अपनी माँ से दूरी का, बस यही बचपन का डर था। देखो हर बच्चे को यही डर लगता है, वो अपनी माँ से दूर होना पसंद नहीं करता, तो बस सेपरेशन फ्रॉम हर मदर यानी अपनी माँ से दूरी उसको पसंद नहीं थी। इसी चीज का पोइट को क्या था, एक डर था, और ये डर कब से लग रहा था उसको, बचपन का, बचपन से ही डर लग रहा था, बस आज वो बचपन वाला डर उसके सामने उसको महसूस हो रहा था। तो सेपरेशन फ्रॉम मदर, अपनी माँ से दूरी का डर पोइट को आज महसूस हो रहा था, ना तो कोई उसको एग्जाम का डर था, ना कोई मेडिकल चेकअप का डर था, और ना ही कोई डेंटल ट्रीटमेंट था। एग्जाम का डर भी देखो आपको भी नहीं लगेगा, मुझे पता, पूरा विश्वास है आपकी मेहनत के ऊपर कि आप डेफिनेटली बेटा बहुत अच्छा स्कोर करोगे, इसलिए एग्जाम से डरना भी नहीं है, कोई डरे उससे अपने को मतलब, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर, आप 100% बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। तो एग्जाम का डर उसको नहीं, मेडिकल चेकअप में क्या था, वैक्सीनेशन आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में देखें, कि स्प्रिंटिंग मींस, देखो जब मैंने पोइम पढ़ाई थी उस टाइम पर भी मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंटिंग मींस क्या था। देखो स्प्रिंटिंग, एक तो देखो रनिंग भी होता है, रनिंग होता है, रनिंग किसे कहते हैं, लंबी दूरी की रेस को, जब खूब लंबा अपने को 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दौड़ना होता है तो उसको अपन रनिंग बोलेंगे। लेकिन अगर बहुत ही कम दूरी की रेस करनी हो और वो भी बिल्कुल फास्ट करनी हो, यानी यू मान के चलो जब 100 मीटर का अगर कोई किसी को रेस करनी है तो 100 मीटर की रेस को अपन स्प्रिंटिंग बोलते हैं। बस स्प्रिंटिंग हमेशा तेज गति की होती है, तो देखो शॉर्ट फास्ट रेस, कम दूरी की बहुत तेज रेस को अपन स्प्रिंटिंग बोलेंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, कम दूरी की तेज रेस को हम स्प्रिंटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में बन के आएगा, व्हाट डू द स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई, कि जो तेज गति से दौड़ते हुए जो यंग ट्रीज थे ये किसका सिग्निफाई है, किसको, किसका प्रतीक है। देखो इसमें है फास्ट मूविंग ट्रीज, कि तेज, बहुत तेज गति से पेड़ दौड़ रहे थे, ऐसा नहीं है। देखो इसमें ये था, मैंने आपको पोइम पढ़ाई थी उस टाइम पर भी जिक्र किया था कि यहां पर स्प्रिंटिंग ट्री का जिक्र इसलिए किया है कि एक तो उसकी मां काफी बूढ़ी थी,
और यंग वर्ड इसलिए यूज किया था उस पोइम के अंदर कि पेड़ पौधे का जवान थे, उसकी माँ बूढ़ी थी, यानी एक तरह से यंग एज यानी चाइल्डहुड से लेकर ओल्ड एज के बीच का जो गैप है ये मूविंग था, यानी इसमें चेंज हो रहा था। तो यानी फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ, ये इसका आंसर सही क्या है, फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ, कि उसकी ह्यूमन लाइफ जो मानव जीवन है वो बहुत तेज गति से बदलता जा रहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन, यानी किस प्रकार का दर्द उस कवि पोएट को था, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फेल, कि कवियत्री ने कौन सा दर्द और पीड़ा महसूस की थी। देखो उसको सिर्फ एक ही चीज का डर था, कौन सा डर था, वो अपनी माँ से दूरी पसंद नहीं था, उसको उसकी माँ से दूर होना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बस उसका अंत भी नजदीक आने लग गया था, पोइट ने ऐसा महसूस किया, इसलिए लूजिंग हर मदर यानी वो अपनी माँ से दूर होना उसको काफी डर महसूस हो रहा था, ये पीड़ा उसको काफी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लूजिंग हर मदर यानी उसकी माँ को खोना ही उसका सबसे बड़ा पेन और एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोइम, देखो क्या बात है, इस पोइम पोइम का नाम क्या है, माई मदर एट 66 पोइम का नाम है माई मदर एट 66। इस पोइम की पोइट कौन है, कमला दास, ना तो जॉन किट्स है, ना रडियार्ड किपलिंग है, ना विलियम वर्ड्सवर्थ है, इस पोइम की पोइट कौन है, कमला दास। देखो मैं आपको बता दूं, कमला दास इंडिया के केरला की रहने वाली थी। तो बस ये अगर क्वेश्चन बन किया जाता है कि माय मदर एट 66 की जो पोइट है कमला दास ये कहाँ की रहने वाली थी, तो बेटा लिख देना केरला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, कि कवियत्री का बचपन का डर क्या था, वही है जो मैंने आपको बोला अपनी माँ से दूरी का। कवियत्री को अपने बचपन में एक ही चीज का डर लगता था कि वो अपनी माँ से दूर होना पसंद नहीं करती थी, उसके माँ से दूर होने का सबसे बड़ा डर था। तो पार्टिंग फ्रॉम हर हस्बैंड तो नहीं था, पार्टिंग फ्रॉम हर फ्रेंड्स ये भी नहीं था, कि अपने दोस्तों से दूर होना कोई खास बात नहीं था, पार्टिंग फ्रॉम हर सिबलिंग अपने भाई बहनों से दूर होने का कोई डर नहीं था, लूजिंग हर मदर या पार्टिंग, इसमें देखो पार्टिंग फ्रॉम हर मदर भी आ सकता है, पार्टिंग फ्रॉम हर मदर या फिर लूजिंग हर मदर, यानी वो अपनी माँ से दूर होना नहीं चाहती थी, ये इसका सबसे बड़ा डर था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या है, डी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेकअप, यानी पोएट ने सिक्योरिटी चेक करने के बाद में क्या किया, बस मैंने आपको पहले जो पोइम पढ़ी थी उसमें भी बताया था कि जैसे ही सिक्योरिटी चेक होती है, ये पोएट ये जो कवियत्री थी एक बार फिर से अपनी माँ की तरफ देखा, और देखिए माँ का चेहरा कैसा था, वैन था, पीला पीला सा, यानी पैल, वैन पैल, और ऐसा लग रहा था जैसे जाती हुई सर्दियों का कोई चंद्रमा हो। देखो सी स्टैंड ए फ्यू यार्ड्स अवे, वो कुछ ही दूरी पर खड़ी थी फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से कुछ ही गज दूरी पर खड़ी होकर, वंस अगेन सी सा टू हर मदर, कि उसने एक बार फिर से उसकी माँ को देखा, यानी वो क्या किया था, सिक्योरिटी चेक करने के बाद में वो कुछ गज दूरी पर खड़ी हो गई और अपनी माँ की तरफ देखने लगी। सी टेक फूड हर मदर, ये भी रॉन्ग है। सी वॉज वीपिंग, वो रोने लगी, ये भी गलत है। सी वॉज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रही थी, ऐसा भी कुछ नहीं था, सिर्फ यही था कि वो कुछ ही गज दूरी पर खड़ी होकर अपनी माँ की तरफ देखने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वाही वॉज द पोइट स्माइलिंग इन फ्रंट ऑफ हर मदर, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। वाही वॉज द पोइट स्माइलिंग, यानी कवियत्री क्यों मुस्कुरा रही थी इन फ्रंट ऑफ हर मदर, अपनी माँ के सामने। देखो अपने सोच सकते हैं कि रियलिटी तो अपने को भी पता, रियलिटी पोइट को भी पता थी, कौन सी रियलिटी, रियलिटी ये थी कि उसकी माँ काफी बूढ़ी हो चुकी थी, उसकी माँ का अंतिम समय नजदीक आ रहा था, पता नहीं कब माँ दुनिया छोड़ दे, लेकिन फिर भी पोएट कंटिन्यू अपनी माँ की तरफ मुस्कुरा रही थी। आखिर क्यों, वाही क्यों मुस्कुरा रही थी, इसमें दो ही ऑप्शन आएंगे, एक तो अपने आप को कवर अप करने के लिए, खुद को ताकि दर्द महसूस ना हो, दूसरा क्या था, सी वॉन्टेड टू हाइड हर सैडनेस, वो अपना दर्द छुपाने की कोशिश कर रही थी, अपना दुख छुपाने की कोशिश कर रही थी।
She wanted cover up herself. बिल्कुल ये भी सही है कि वो अपने आप को cover up करने की कोशिश कर रही थी. बिल्कुल ये भी सही है. She wanted to hide her sadness. कि अपना दुख, अपनी अपने दुख को छुपाने की कोशिश कर रही थी. Hide means क्या होता है? छुपाना. अपने आप के दुख को दूर छुपाने की कोशिश कर रही थी. फिर बी है, बी ऑप्शन है, शी वॉन्टेड कवर अप हर सेल्फ. कि वो अपने आप को कवर अप करने की कोशिश कर रही थी मुस्कुराकर. बिल्कुल ये भी फैक्ट है, ये भी आंसर सही है. She was trying to hide her pain. वो अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही थी. She was trying, वो कोशिश कर रही थी to hide, छुपाने की हर pain, अपनी पीड़ा को छुपाने की कोशिश कर रही थी. All above. और इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? All above. देखो बेटा, इसमें all above का मतलब ये नहीं कि हर बार ये all above ही अपने पास में क्वेश्चन आए. इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन अपने पास में बनकर आ सकता है. इसलिए अपने को ध्यान रखना चाहिए कि पोएट्री जो पोइम है, पोइट है, वो कंटिन्यू क्यों मुस्कुरा रही थी. वो इसलिए मुस्कुरा रही थी. एक ऑप्शन अगर ये भी आ सकता है, अकेला ऑप्शन भी आ सकता है कि वो अपने आप का दुख छुपाने की कोशिश कर रही थी. दूसरा, वो अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रही थी. तीसरा, वो अपने आप की पीड़ा को दूर करने की कोशिश कर रही थी. ये ऑप्शन है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वाही डज द पोइट से सी यू सून अम्मा. पोइट अपनी माँ को सी यू सून, हम फिर मिलेंगे अम्मा, हम जल्दी ही फिर मिलेंगे अम्मा. सी यू सून अम्मा का मतलब क्या होता है? अम्मा हम जल्दी ही फिर मिलेंगे. ये ऐसा पोइट ने क्यों कहा? देखो वही ऑप्शन जो पहले आया था कि अपने आप को कवर अप करने के लिए, माँ को माँ डिमोरलाइज ना हो, निराश ना हो कि मैं अब मरने वाली हूँ, इस चीज़ का भी माँ को एहसास नहीं होना चाहिए. ये ऑप्शन था. देखो, टू रिश्योर हर मदर, कि अपनी माँ को ढाढ़स बंधाने के लिए. रेज्योर मीन्स क्या होता है? ढाढ़स बंधाने के लिए. टू रेज्योर हर मदर, वो अपनी माँ को ढाढ़स बंधाना चाह रहे थे कि माँ अभी हम फिर मिलेंगे, अभी तू बूढ़ी नहीं हुई है, तू ये दुनिया नहीं छोड़ेगी, तेरा अंत समय नज़दीक नहीं है. ताकि माँ को थोड़ा सा एनर्जी आ जाए कि मेरा अंत समय नज़दीक नहीं है, क्योंकि ये फिर से मिलने को मुझे बोल रही है. टू मीट वंस अगेन, सी वॉन्टेड टू गो, सी डिडंट मीट अगेन. देखो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं. राइट ऑप्शन क्या है? टू रीअश्योर हर मदर, वो अपनी माँ को ढाढ़स बंधाना चाह रही थी कि हम फिर से मिलेंगे और अपन अभी या आप अभी बहुत दिनों तक जिंदा रहोगी. नेक्स्ट, थैंक यू. आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद आपको. अब इसी प्रकार बने रहिए. नेक्स्ट वीडियो भी, नेक्स्ट पोइम के भी अपने जल्दी ही वीडियो आने वाले हैं. अगर देखो लास्ट बात ये है कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को, अपने साथियों को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बोर्ड की जो आगामी एग्जामिनेशन है उसमें वो बच्चे हाईएस्ट मार्क्स लगें. थैंक यू.